अगले 3 दिन तुम मनोरमा के साथ रहोगे और उसके अगले 3 दिन तुम बौंदिता बहू के साथ रहोगे। और बचा हुआ 1 दिन जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। काका ये आप क्या कह रहे हैं? 3 दिन यहाँ, 3 दिन बिल्कुल सही कह रहे हैं अनिरुद्ध। इससे संतुलन बना रहता है परिवार में। संतुलन? दोनों पत्नियां खुश रहती हैं, किसी को बुरा नहीं लगता और ना ही किसी को ये महसूस होता है कि उसकी परवाह नहीं है पति को। काका मैं मनोरमा के साथ अपनी दूसरी शादी को शादी मानता ही नहीं। काका जो आप मेरी दूसरी शादी के विषय में कुछ नियम बता रहे थे ना, 3 दिन यहाँ 3 दिन वहाँ, आप काका वो नियम सही नहीं है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्यों, तो जवाब सुनिए। क्योंकि मैं मनोरमा के साथ की गई शादी को ही सही शादी मानता हूँ। इसीलिए काका हर पल हर समय 7 दिन वो ही मेरे साथ ही मेरे साथ और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ये मेरा अंतिम फैसला है काका। डलहौजी की बोर्डिंग स्कूल में तुम्हारा दाखिला करवा देता हूँ, तुम वहीं रहो। आपको जो करना कीजिए, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। जानता हूं बौंदता के साथ अन्याय किया है इस रिश्ते की लाज ना रख के, पर मैंने नकली शादी का सहारा लिया सिर्फ और सिर्फ बौंदता के भविष्य के लिए। बौंदता, ये फूल तेरे पति बाबू और मनोरमा के कमरे के लिए, जा जाके सजा दे, जा। बौंदता अब तो तुझे रोज ऐसा कुछ ना कुछ करना होगा जिससे दिल टूटेगा तेरा। एक बात कहूं बौंदता, वैसे तेरे पति बाबू ने कभी तुझे उनके कमरे में रहने की आज्ञा नहीं दी ना? अब नहीं मतलब मनोरमा के साथ तो एक ही कमरे में रहने के लिए मान गए वो, और वो भी पहले दिन में। पता नहीं जाने क्या खास बात है मनोरमा में, ऐसा कौन सा जादू किया है तेरे पति बाबू पर। छोड़ जा सजा दे जाके, हाँ अच्छे से जा।
जो भेदभाव कर रहे मेरे और छोटी पत्नी के बीच में, मैं उन दोनों को एक साथ कमरे में रहने नहीं दूंगी। बहू बैठो बैठो, तुम्हारा अनिरुद्ध का कमरा सजाने के लिए कह दिया है मैंने। आज की रात्रि खास है ना तुम दोनों के लिए। बस सिर्फ एक ही चिंता है। चिंता? कैसी चिंता? बोंदिता की चिंता। बोंदिता ने तो नीचे सबके सामने नाटक कर ही दिया है कि वो मान गई है तुम्हारी और अनिरुद्ध की शादी को, पर मुझसे अच्छा मेरी छोटी बहन को और कोई जान सकता है क्या? और मुझे पक्का यकीन, तुम्हारी ये खास रात्रि बिगाड़ने की कोशिश जरूर करेगी बोंदिता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम चुप रहोगी। मैं तुम्हारी सास हूं और तुम्हारे साथ हूं, और मैं ध्यान दूंगी तुम्हारे अधिकार तुमसे छीने ना जाए। आप कितनी अच्छी सासू मां है, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं बड़ी पत्नी, मेरा मतलब है बोंदिता बहन को अपनी ये खास रात्रि बिगाड़ने नहीं दूंगी। कभी नहीं। छोटी मालकिन, आप चले जाइए, मैं सजा देती हूँ कमरा। अगर ये करना बड़ी पत्नी का कर्तव्य है तो मैं जरूर करूंगी। क्या हुआ बोल रानी जी? अचानक से पता नहीं खारिश होने लगी। हाँ ये सफेद फूल है ना? हाँ, ये सफेद फूल पलंग से हटाने होंगे हमें। कभी कभी इन फूलों की वजह से खारिश होने लगती है बदन में। नहीं नहीं कोई नहीं दीदी, मैं समेट दूंगी, आप जल्दी से रसोई समेट दीजिए। लेकिन बहुरानी जी, ये सब हटाना होगा ना? मैं कर दूंगी। हाँ कोयली दीदी, देखो मैं कर रही हूँ ना। ठीक है, जल्दी जाइए। हाँ सफेद फूलों से खारिश होती है ना? अच्छा है, मैं ये सारे फूल यहाँ बिछा दूंगी, फिर जैसे ही छोटी पत्नी इस बिस्तर पे सोएगी, जमकर खारिश होएगी उसे, तब तो जान छोड़ के भागना पड़ेगा उसे पति बाबू के कमरे से। लगता है पति बाबू और छोटी पत्नी इधर ही आ रहे हैं।
शहनादी रोल बाबू। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी काल रात्रि के बाद स्वप्न रात्रि आ ही गई ना आपकी। चलो चलो सब चलते हैं। अब तुम चैन की सांस ले सकती हो, मेरे सिवा कोई नहीं है। तो तुम पलंग पर सो जाना, मैं यहां दीवान पर सो जाऊंगा। अच्छा है, बिस्तर पे पड़े सफेद फूलों से अब सिर्फ छोटी पत्नी को ही खारिश होगी। बड़ा शौक है ना पति बाबू के कमरे में सोने का, अब पता चलेगा। मनोरमा, मैं जानता हूं ये रस्में रीति रिवाज ऐसे एक कमरे में साथ रहना कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन हम दोनों के सिवा कोई जानता भी तो नहीं ना कि ये शादी सिर्फ एक समझौता हो गई। शुरू क्या हुआ? पता नहीं, बहुत खारिश हो रही है। खारिश? अभी तक तो सब ठीक था, अचानक से पूरी पीठ पर खारिश हो रही है, मेरा हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा। ज्यादा परेशानी हो रही हो तो कोयली को बुला लेता हूँ। एक मिनट। नहीं, ये गलती मत करना। तुमने कोयली को बुलाया तो सब समझ जाएंगे कि हमारे पति पत्नी के रिश्ते का असली मायना क्या है और ये पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक बंधुता। किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मनोरमा, हम कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, शादी की है हमने सबके सामने, और अब तो सब जानते भी हैं कि हमारी पति पत्नी की जोड़ी सही है, ना कि मेरी और बोंदता की। और सब ये बात समझते हैं सिवाय बोंदता के। पता नहीं क्यों समझ ही नहीं पाती वो। अब देखो ना, अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मुझे झुकने की जरूरत नहीं पड़ रही कि नीचे देखूं, झुकूं, कद से कद मिलाऊं और फिर बात करूं। बोंदता से जब भी बात करनी पड़ती है ना, यूं झुक कर बात करनी पड़ती है, या तो झुक कर या तो घुटनों पर बैठ कर। बोंदता ने सिर्फ पीठ में दर्द और नाक में दम कर रखा है। और तुम खारिज की चिंता मत करो, मेरे पास एक इलाज है इसका। कैसा इलाज? अक्कड़ बक्कड़। अक्कड़ बक्कड़? हाँ, अब जब हम अक्कड़ बक्कड़ खेलेंगे तो तुम्हारा दिमाग उस खेल पे ध्यान देगा, ना कि खारिश पे। तो तुम्हें लगेगा कि खारिश है ही नहीं, यहाँ तक कि दो मिनट में तुम भूल भी जाओगी कि खारिश थी भी या नहीं। समझ रही हो? तो खेल शुरू करें।
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 100 में लगा कांटा, चोर निकल के भागा। मैं बच गया। ऐसे खेल तो पति बाबू मेरे साथ खेला करते थे मेरे दिल बहलाने के लिए। तुमने कुछ तो गड़बड़ किया, तुम कैसे बच गए? मुझे बचना चाहिए, तुम कैसे बच गए? तुमने गड़बड़ किया। नहीं मनोज माँ, ऐसे कैसे कर सकता हूँ? माना तुम समझते बुद्धू, पर इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ। मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। कुछ खफा हूँ, कुछ दुखी हूँ, नाराजगी है तुझसे, फिर भी कोई डोर है जो बांधे हुए है तुझसे। कीमती सी चीज जैसे गुम हो गई है मुझसे। क्यों न जाने तेरी चिंता हो रही है मुझे, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। अभी जाकर पूछते पति बाबू से कि मेरे साथ तो पहले दिन कितने गुस्से में थे वो, तो छोटी पत्नी के साथ पहले ही दिन इतने कैसे हंस खेल सकते हैं? वंदिता, तुम यहां क्या कर रही हो? छिपकर हमारी बातें सुन रही थी क्या? ये शोभा देता है बड़ी पत्नी को वंदिता? बताओ वंदिता, क्यों आई थी तुम यहां हमें परेशान करने? अगर मैं परेशान करती हूँ तो परेशानी दूर भी मैं ही करती हूँ ना। सुन लो छोटी पत्नी, खारिश अक्कड़ बक्कड़ खेलने से नहीं, सफेद खारिश वाले फूल बिस्तर से हटाने से जाएगी। और हाँ छोटी पत्नी, छोटे पति बाबू, मैंने कभी पीठ में दर्द नहीं दिया, कभी नाक में दम भी नहीं किया, बल्कि बेमानी तो पति बाबू ने किए मेरे साथ। ये यहाँ हंस रहे हैं, पर इनको नहीं समझ आया कि कितना रोती हूँ मैं। अपना दर्द दिखा इन्हें, पर मेरा दर्द बिल्कुल भी समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया। कितना दुख नो तुम्हें बोंधता, मैं जानता हूं तुम कितना दुखी हो रही, समझता भी हूं। तुम्हें पता है जब जब तुम्हें दर्द होता है ना, तब तब मुझे भी दर्द होता है। जितनी बार मैं तुम्हें कुछ भी कड़वा बोलता हूं, मेरी जबान पे मानो छाले आ जाते हैं। क्या करूं, जो भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं वंदिता, इसीलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारा भविष्य बेहतर हो सके। मुझे माफ कर दो, पर कुछ समय और ये करना होगा, तब तक जब तक तुम डलहौजी हॉस्टल जाने के लिए तैयार नहीं हो जाती।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.